नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए आज का इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। चल शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए सर्वे का एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए कि लाइव सही चल रहा है क्या। हाँ ठीक ही चल रहा है मेरे हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर आई है, ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट खबर है हमारे पास आज के दिन में। पहली इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि देखिए एक सर्वे कराया एक यूएस की प्राइवेट फर्म ने, तो उसके जो रिजल्ट्स है ना वो काफी शॉकिंग है। देखिए आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि यूएसए इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया आफ्टर चाइना। तो आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया अभी, मतलब समझ रहे हैं, पाकिस्तान हो सकता है या और भी कंट्री है, तुर्की है, वो भी एक थ्रेट हो सकता है, लेकिन यूएसए थ्रेट कैसे हो गया। तो एक ये चीज हुई। दूसरी जो है, बीबीसी ने एक बहुत ही विवादित डॉक्यूमेंट्री बना दी है प्रधानमंत्री मोदी पे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसका ये रिप्लाई किया है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बेसिकली प्रोपेगेंडा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आज ये हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का की न्यूज है, ठीक है। इंडिया सीज चाइना एज नंबर वन मिलिट्री थ्रेट फॉलोड बाय यूएस सर्वे फाइंड्स। अच्छा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पेपर को आप चाइना का पेपर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। वहां का जो फेमस पेपर है वो ग्लोबल टाइम्स है, ठीक है, ये चाइना का पेपर नहीं है, ठीक है। ये तो मतलब क्या करता है कि, ठीक है, तो अब ये देखिए इस पोल में 43% इंडियन ने ये कहा है कि हमारा जो सबसे बिगेस्ट थ्रेट है वो चाइना है, और उसके बाद यूएस हमारा बड़ा थ्रेट है। तो अभी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक शॉकिंग न्यूज है, ठीक है, और ये पूरी दुनिया के लिए शॉकिंग है, इंडिया के लोगों ने कि ऐसा रिस्पॉन्स किया। तो देखिए एक कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट करके, ठीक है, तो ये कंपनी है सर्वे करवाती रहती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक ओआरएफ का सर्वे आया था जिसमें भारतीयों ने कहा कि इंडिया का जो है यूएस से जो अलाइनमेंट बढ़ता जा रहा है वो एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे कराया, तो सर्वे में मैं भारतीयों से ये पूछा गया, जितने भी सर्वे में इंडियंस थे, कि आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है। तो सबसे बड़ा थ्रेट आया चाइना। तो ये तो ऑब्वियस है कि, ठीक है, ये तो सभी को पता है कि हाँ चाइना ही सबसे बड़ा थ्रेट होगा, ठीक है। देखिए अब पाकिस्तान का भी ये देखिए, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं है, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है, ठीक है, पर बहुत ही छोटा है, 13%। अब आप कहेंगे 13% क्यों हो गया, ये तो ज्यादा आना चाहिए था। नहीं, 13% इसलिए हुआ ना, देखो इकोनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान में है, उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे डेटोरेट होती जा रही है। तो इस सब स्थिति को देखते हुए क्या हो रहा है कि अब भारतीयों, भारत सरकार की बात करें या भारतीय लोग की बात करें, दोनों के मन में पाकिस्तान के प्रति जो है मतलब थ्रेट धीरे धीरे काम होता जा रहा है। प्लस क्या है, फिर ऐसी भी सिचुएशन है कि अभी बेसिकली बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान वॉर लड़ ही नहीं सकता, समझ रहे हो, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक माइटी नहीं है पाकिस्तान के पास, खाने के तो लाले पड़े हैं, तो वॉर कहाँ से लड़ेगा। तो एक उसके पीछे ये भी इशू, ठीक है। दूसरा देखिए, रशिया को भी कुछ लोग थ्रेट मानते हैं, ठीक है, तो ये करके ये मल्टीपल है, पर इसमें ये जो आश्चर्य है ये यूएसए, समझ रहे हो, ये यूएसए आश्चर्य, ठीक। अब यूएसए 22% लोग मानते हैं ये थ्रेट, ठीक है। तो अब ये जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, देखिए समझिए लोगों का क्या मानना है कि जो चाइना और इंडिया, चाइना और यूएस के बीच में जंग चली हुई है। किसके बीच में, क्यों क्यों जंग चली हुई है, क्योंकि दोनों को ग्लोबल पावर बनना है, सही है। अब हो क्या रहा है, लोगों का कोई ये डर है कि यूएस जो है वो इंडिया का यूज करेगा एज अ पॉन, कि मतलब अपना काम निकालने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इंडिया और चाइना की वॉर होती है ना, तो सबसे ज्यादा अगर कोई कंट्री प्रॉफिटेबल है तो वो यूएस है। क्यों, क्योंकि देखिए फ्यूचर में इंडिया एक पावर बन, सुपर पावर बनने वाला है, ठीक है, पावर बनने वाला है बेसिकली। तो मतलब ऐसा सुपर पावर का मतलब एक ही नहीं होता ना, सुपर पावर मल्टीपल, मतलब दो तीन भी हो सकते हैं। तो पावर के अब क्या होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। तो होगा क्या, यूएसए के दोनों दावेदार क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वॉर में। वॉर से तो हमेशा यही होता है ना, दोनों पार्टी का नुकसान होता है। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया चाइना की वॉर में, ना इंडिया को है ना चाइना को है, यूएस को, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रिवेलेशन है। और भारतीय लोग भी ऐसे सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार देखो मेन पंगा तो चाइना और यूएस का है, ठीक है, उन दोनों को ग्लोबल सुपर पावर बनना है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया को भी रिपरकशन फेस करने पड़े। तो ऐसा लोगों का मानना है, जरूरी नहीं ये सही हो, पर लोगों का ये मानना है। देखिए यहाँ साफ लिखा, ऑल्दो चाइना कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज सम वेज पुश्ड न्यू दिल्ली क्लोजर टू वॉशिंगटन, लेकिन ये सर्वे में ये मानते हैं कि अमेरिका लार्जेस्ट थ्रेट है। क्यों, उसका रीजन वही है। प्लस एक और इसमें प्रॉब्लम है, अमेरिका जो करता है बीच बीच में आपने देखा होगा पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगता है, ठीक है, जब भी उन्हें अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मजबूत करनी होती है।
चाहे वो अभी उन्होंने F-16 का अपग्रेड का प्लान हो, जितने भी पाकिस्तान का मॉडर्न हथियार है ठीक है जो बहुत बढ़िया है, वो सब यूएसए के ही तो दिए हुए हैं। तो एक वो भी रीजन है कि भारतीयों का जो है यूएसए के प्रति जो है थोड़ा सा विश्वास कम रहता है, ठीक है। और हम भी सब जानते हैं कि जो ये मतलब क्या होता है, जो फ्रेंड्स वाली बात होती है वो क्या होती है, वो बातचीत से ज्यादा, मतलब बोलने से, ठीक है, फंक्शन करा लेने से, या एक दूसरे का लीडर मिल, मतलब एक दूसरे से लीडर मिलने, इससे ज्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि मुसीबत में आपके साथ वो कौन खड़ा रहता है। तो इंडिया ने आज तक जितनी भी वॉर लड़ी है तो यूएस ने कभी कोई बड़ा साथ दिया ही नहीं भारत का, ठीक है। अभी हाल ही के सालों में, क्योंकि अब चाइना इंडिया का, मतलब चाइना यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इंडिया का सपोर्ट करने लग गया यूएस, तो ये एक चीज है बस। वरना तो पहले तो यूएस का काफी कम सपोर्ट रहता था। वेपन्स तो बहुत दूर की बात है, अगर आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत ने यूएस से सुपर कंप्यूटर मांगा था, ठीक है, सुपर कंप्यूटर मांगा था फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, ये भी यूएस ने इंडिया को डिक्लाइन कर दिया था पहले। तो ये ऐसी स्थिति भी इंडिया और यूएस के बीच में रही है। आजकल हालात काफी ज्यादा सुधर रहे और वो अलाइनमेंट तो है ही, देखिए वो तो धीरे धीरे है, क्योंकि यूएस का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यूएस हमेशा ही ये कहता है देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अभी यूएसए का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ, तो ये इसका एक रीजन। अब देखिए फिर सर्वे में एक काफी सवाल थे, एक सवाल ये भी था कि आपके लिए सबसे फ्रेंडली नेशन कौन सा है, तो हमेशा की तरह नंबर वन पे रशिया है, सेकंड नंबर पे यूएस है, फ्रेंडली नेशन तो वही, ठीक है, और पाकिस्तान और चाइना लीस्ट फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये देखिए पाकिस्तान का नंबर और पीछे है और चाइना का यहाँ, और ये देखिए बीच में कुछ, देखिए काफी देश है, यूक्रेन भी आ गया है, ठीक है, यहाँ पे पीछे रशिया और यूएस टॉप में बिल्कुल आसपास ही चल रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ये, देखिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इंडिया मतलब इंडियंस जो भी हैं वो थोड़ा मतलब दिमाग से सोचते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि यूएसए भारत पे अटैक करेगा, वो ये जानते हैं कि इसकी वॉर में जो है इंडिया को रिपरकशन फेस करने पड़ेंगे, फ्रेंड तो है ही यूएस आज की तारीख में तो। अच्छा, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, ठीक है, तो इंडियंस सबसे ज्यादा किसको ब्लेम करते हैं, देखो केवल 38% ही ऐसे इंडियंस हैं जो इस वॉर का जिम्मेदार रशिया को मानते हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इसका जिम्मेदार वेस्ट को मानते हैं। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो, ये क्या है, और यूक्रेन, ये देखिए अगर हम इन तीनों का सम जोड़ ले तो ये यूएसए से बहुत, ये रशिया से बहुत ज्यादा होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस नाटो और यूनाइटेड स्टेट्स को इसके लिए ब्लेम करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज और है, इन्होंने इस रिपोर्ट में ये भी बहुत सही बात कही गई है कि इंडिया जो इंडिया का रिस्पॉन्स है ना, ठीक है, वो प्रैग्मेटिक है, आइडियलिस्टिक नहीं है। आइडियलिस्टिक का मतलब देखिए समझिए क्या होता है, अभी क्या हुआ है कि इंडिया रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है, तो भारत सरकार ने अपने को रशिया से दूर कर लिया, इस सब मामलों से दूर कर लिया, हम रशिया का पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे, तेल खरीदना देखिए एक वो अलग बात है, बाकी कई जगहों पे इंडिया उनका साथ नहीं दे रहा, ठीक है। वो साथ ना देना कैसे, जैसे अगर जब भी यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होती है, मैं मानता हूं कि हम उनके पक्ष में वोट नहीं, हम उनके विपक्ष में वोट नहीं करते, पर हम उनके पक्ष में भी वोट नहीं करते, तो ये क्या है, ये एक न्यूट्रल स्थिति है। तो इंडिया क्या है अब, न्यूट्रल स्थिति में सोच रहा है, तो ये इस रिपोर्ट का कहना है। अच्छा, एक और चीज है कि इंडिया का जो प्रिफर्ड मिलिट्री पार्टनर है वो कौन है, इतनी क्राइसिस सिचुएशन के बाद भी देखिए रशिया टॉप पे बना हुआ है, उसका रीजन ये है क्योंकि 19 जब जब इंडिया की वॉर हुई है तो रशिया ने इंडिया का साथ दिया, तो ये उसका रीजन है। हालांकि यूएसए भी काफी पीछे नहीं है, अगर यही सर्वे बहुत साल पहले होता, यानी मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, तो यूएसए का 44 छोड़िए 20% भी नहीं आता था पहले, तो इसका ये रीजन है। धीरे धीरे यूएस की स्थिति सुधर रही है कंपैरेटिवली रशिया, ठीक है। तो ये पूरा सर्वे था, मॉर्निंग कंसल्ट ने कराया था, इसकी जो ये वाली बात है कौन सी, ये जो इंडिया थ्रेट, मतलब यूएस को एज अ थ्रेट देखते हैं इंडियन, ये काफी पॉपुलर हुई है और ये चीज यूएस और चाइना के अखबारों ने भी कवर करी है। चाइना के अखबार ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो जो इंडियंस हैं वो यूएस को अपना अलाई ही नहीं मानते, और जबकि यूएस इंडिया के लिए ऐसे कर रहा है, इतना उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है। देखो चाइना तो चाहता ही है ये कि भारत को कुछ ना मिले, बाकी यूएस में भी इसके मतलब ये जो सर्वे है इसके वो मतलब इसको देखते हुए वहाँ की सरकार ने भी, वहाँ की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने तो अपने रिस्पॉन्स नहीं दिए, पर काफी लोगों ने जो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं उन्होंने अपना रिव्यू दिया है, ठीक। तो ये सब चीजें। अब देखिए अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बीबीसी ने क्या करा है, बीबीसी ने अभी 2023 में एक पूरी डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी है प्रधानमंत्री मोदी पे, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट्री किस पर बेस्ड है, 2002 के राइट। अब देखो कहां 2002, मतलब समझ रहे हो, उसके बाद 2002 का राइट ऐसा नहीं है कि वो कवर नहीं हुआ, समझ रहे हो, वो इतना कवर हुआ, ठीक है। गुजरात के दंगों की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी वहां के सीएम थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो कवर नहीं हुआ। पर होता क्या है ना, देखो ये बीबीसी और न्यूयॉर्क
टाइम्स, ठीक है, वॉशिंगटन पोस्ट, ये क्या होता है, देखिए समझिए, यहाँ मेजरली ऐसे लोग हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, तो वो चाहते क्या हैं बेसिकली, वो ये चाहते हैं कि उनका जो फेवरिज्म होता है वो इंडिया के प्रति वो ज्यादातर निगेटिव रहता है, और प्लस राइट विंग पार्टीज के प्रति, देखिए चाहे आप बीबीसी को देख ले, चाहे आप सीएनएन को देख ले, चाहे आप न्यूयॉर्क टाइम्स को देख ले, अगर हम रिपब्लिकन्स की बात करें तो वहां भी वो उनके विरोध में रहते हैं, ठीक है, इसराइल में आप अगर नेतन्याहू को देख ले तो उनके विरोध में रहते हैं, ठीक है, इधर अगर इंडिया में देख ले तो हम ये अपने प्रधानमंत्री मोदी के जो मतलब बीजेपी पार्टी है उनके विपक्ष में रहते हैं, तो ऐसा देखा गया। अब आप एक वो मेरे को एक बात बताओ, अभी इस टाइम पे क्या आवश्यकता थी ये रिलीज करने की, और सबको पता है क्या होने वाला है, और वो क्यों रिलीज किया गया, क्योंकि 2024 में क्या इलेक्शन है, तो अब लोगों के माइंड को दोबारा से क्या करना कि याद दिलाना कि देखो गुजरात के दंगे हुए थे, तो ये एक क्या एक मानसिकता है जो बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसे जितने भी फॉरन मतलब वेस्टर्न मीडिया है उनमें है ही। अच्छा, इसमें भी कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार मीडिया तो निष्पक्ष है फॉरन मीडिया, ठीक है, देखिए कोई भी मीडिया चाहे वो इंडियन मीडिया हो जिसे चाहिए, ना इंडियन मीडिया ना फॉरन मीडिया, मीडिया कभी भी निष्पक्ष हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ओनर, समझ रहे हैं, ओनर पे। अभी हमने जैसे ट्विटर को इलॉन मस्क ने खरीदा तो हमें पता लगा अच्छा ट्विटर तो जो है बिल्कुल एंटी रिपब्लिकन था, समझ रहे हो, तो ये आपको एक अंदाजा लगा, पहले लोग ट्विटर को न्यूट्रल मान, न्यूट्रल जैसा कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में, रेयर ऑफ द रेयर मीडिया जो है वो क्या होती है, वो न्यूट्रल होती है, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं न्यूट्रल, बिकॉज जहां जहां इंसान बैठेगा वहां उसके व्यू पॉइंट तो आ ही जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, एक पूरा बना दिया है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दो पार्ट में, ठीक है, ये देखिए ये वो डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, ठीक है, तो ये इसका एक पार्ट है और ये इसका दूसरा पार्ट है। अच्छा, अब भारत सरकार ने इसकी क्या करी है, इस मतलब जो हमारे भारत सरकार का स्टैंड पॉइंट है उसका यही है कि ये देखिए अभी भी भारत जो है वो मतलब ब्रिटेन जो है वो अपने कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं आया, उसका रीजन है, ऐसा क्यों कह रहा है, देखिए इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को जो बनाया गया है ना वो पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखिए इस व्यक्ति के नाम पे, यूके का एक फॉरेन सेक्रेटरी था उस समय, ठीक है, जैक स्ट्रॉ, इसके व्यू पॉइंट पे बनाया गया। ये देखिए ये सुहासिनी हैदर है, इन्होंने लिख दिया अपना, While much of BBC documentary on PM Modi is based on archival footage and his own interview, there is startling account by FMR, ठीक है, UKFS Jack Straw, who says British government concluded that as Mr. Modi proactively prevented the police from stopping riot. कहने का क्या मतलब है कि वहां के जो मतलब फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि पीएम मोदी ने रोका है। अब इस पे ये MEA का रिस्पॉन्स चाह रही है, सही है। अब ये सुहासिनी हैदर कौन है, ये द हिंदू की फॉरेन खबरों को कवर करने वाली क्या है? पत्रकार है। तो देखिए अब हिंदू की भी मानसिकता देखिए आपको सीधा वो पता लगता है कि वो अब इसमें एमईए का रिस्पांस चाह रही है। अब क्या एमईए रिस्पांस दे, तो नीचे देखिए लोगों ने लिखा है, ये भी सब टेकर, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बिगर देन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। उसमें क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी देखिए एक एक होता है ना कॉलोनियल माइंडसेट होता है, कॉलोनियल माइंडसेट क्या है, वो ये है कि यार इंडिया हमारी कॉलोनी था, ठीक है, अब इंडिया में कुछ घटना हुई चाहे वो 2002 की हुई, ठीक है, उसमें हमारा व्यू पॉइंट क्या है, अरे तुम्हारे व्यू पॉइंट से हमें क्या करना, सही, इंडिया को एक बात बताइए हमारे देश में कोई घटना हो उसका फॉरन व्यू पॉइंट क्या, इससे हमें क्या मतलब, हम तो अपने जैसे हमारे क्या वो चीज जज हुई सुप्रीम कोर्ट में कमेटियां बनी, ठीक है, उस समय ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी थे, उस समय बकायदा यूपीए की गवर्नमेंट थी सेंटर में, तो सेंटर में उन्होंने पूरा जांच भी करी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया तब भी, लेकिन जाने अनजाने ये 2002 की बात निकल ली आती कहीं ना कहीं से, सही, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अब कोई और पॉइंट मिलता नहीं, कोई और वो पॉइंट मिलता नहीं इंडिया को डिमीन करने का। देखिए यहाँ पे बात पीएम मोदी को डिमीन करने की नहीं हो रही है, ठीक है, अभी वो देश के प्रेसिडेंट वो पीएम है, समझ रहे हो, अभी वो देश के पीएम है, तो अगर आप उनको डिमीन करोगे तो बेसिकली आप इंडियन डेमोक्रेसी को भी को डिमीन कर रहे हो, क्योंकि उनको तो लोगों ने चुना, तो वो इंडिया को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पॉइंट को आपको समझना, तो ये ऐसे ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। उस पर क्या हुआ कि हमारे जो MEA है उन्होंने ये सीधा बोल दिया कॉलोनियल माइंडसेट ब्लेटेंटली विजिबल, क्यों, क्योंकि अब देखिए उस पूरी रिपोर्ट का आधार ये है कि वो उसका व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, किसका व्यू पॉइंट, ये जैक वो स्ट्रॉ का, व्हाई शुड वी केयर कि उसका व्यू पॉइंट क्या है, समझ रहा, तो ये एक बहुत बड़ा जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो उनका चलता आ रहा है। दूसरा क्या है, कई ट्विटर यूजर्स ने तो यहां तक ये बोल दिया कि आप चर्चिल पे क्यों नहीं सीरीज कर देते हो। अच्छा चर्चिल कौन है,
अगर आपको याद हो हमारे शशि थरूर का वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का भाषण, ठीक है, तो चर्चिल ने जितने लोग, ये चर्चिल वहां के ठीक है पीएम थे, तो इनके टाइम पे जितने लोग मरे उतने तो हिटलर के टाइम पे भी नहीं मरे इंडिया में, समझ रहे हो। तो इतना मतलब पूरी दुनिया में इतने लोगों का मतलब मौत का जिम्मेदार है ये चर्चिल, लेकिन उस पर कभी सीरीज नहीं करेंगे, ठीक है। कभी आपने देखा होगा किसी वेस्टर्न आदमी पर सीरीज नहीं करी जाती, जबकि जो आज ये पूरा वेस्ट, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर आपका पूरा यूएस हो, भाई आप एक बात बताइए, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी वाइट बस हैं, ठीक है, इन लोगों ने जितना दुनिया में अत्याचार किया उतना तो किसी ने किया ही नहीं है, समझ रहे हो। यूएस में ये सारे वाइट जाके बस गए वहां की, जबकि नेटिव अमेरिकन के साथ इन्होंने क्या किया सब जानते हैं, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज ने, चाहे वो आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो किसी का भी एग्जाम्पल, इन सबकी कॉलोनियां थी, कितनों की तो एक दो कॉलोनी आज भी है, समझ रहे हो। ये दूसरे देश को कैप्चर करते थे, फिर वहां से क्या कहते हैं अपना जितना भी वेल्थ है उठा के अपने देश में ले जाते थे, तो दैट इज द प्रॉब्लम ना। लेकिन अब उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, अब ये अपना हर चीज में अपना वो बन जाते हैं, तो उसका क्या हिसाब किताब है, तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये लोगों ने उनको सजेस्ट करा, अच्छा इंडिया ने इसको सीधे से खारिज कर दिया, ठीक है। हमारे जो MEA के स्पोक्स पर्सन है, इनका नाम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, अरिंदम बागची, रोज का मतलब रोज ये लोग मतलब ये आते हैं और कोई ना कोई प्रेस मतलब वो जो न्यूज होती है उस पर टिप्पणी करते हैं। तो इन्होंने ये बोल दिया कि ये जो मूवी है ये इंडिया में स्क्रीन तो हुई नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि मतलब क्या इन्होंने किया है और हमने देखा भी नहीं है, लेकिन ये ऐसा मानते हैं, सरकार ऐसा मानती है कि देखिए इसके पीछे पूरा प्रोपेगेंडा है। टाइमिंग भी है, देखिए टाइमिंग भी है, अभी 2023 है, कहाँ 2002 की बात, अभी इंडिया में कितना कुछ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इंडिया यहाँ बढ़ा है, लेकिन BBC कभी इस पर रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक वो है, ये उनका कहना था। और देखिए, If anything, this film or documentary is a reflection on agency and individual that are peddling this narrative again. वही बार बार वो निकल के वही narrative आ जाता है, यही वो अरिंदम बागची और भारत सरकार का कहना है। अब देखिए यहाँ पे एक जो US के वो सीनेटर है, ठीक है, US की पार्लियामेंट के जो हेड है, वो भी देखिए उनकी तरफ से ये आया है, यू हैव कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ हर्ट ओवर बिलियन इंडियंस, ठीक है। और ये भी मतलब ये लोग ये माफी मांगते हुए हैं कि मतलब ये, और ये सीधा BBC न्यूज को कह रहे हैं। अब देखिए BBC न्यूज क्यों इतना मतलब क्यों आ जाता है इतना पिक्चर में, देखिए क्यों है वो ऐसा, इसलिए क्योंकि BBC न्यूज की जो फंडिंग है, अब जैसे आप जानते होंगे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या CNN हो, इनकी फंडिंग US गवर्नमेंट से नहीं आती, ठीक है। अब चाहे इंडिया में आप देख लीजिए कोई न्यूज चैनल है, उसकी फंडिंग इंडिया के न्यूज चैनल से नहीं आती। अब DD न्यूज कुछ कर दे तो इसका मतलब क्या, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें हाथ है, क्योंकि उसकी पूरी फंडिंग वहीं से आती। बीबीसी न्यूज की भी मेजोरिटी ऑफ फंडिंग UK गवर्नमेंट से आते हैं, तो दैट्स वाई UK की गवर्नमेंट पूरी दुनिया में बैकक्लैश फेस कर रही है। अब इस पर ऋषि सुनक साहब ने भी अपना एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है वो एक्सप्लेनेशन, ये देखिए ये ऋषि सुनक साहब का एक्सप्लेनेशन है इस पर, कि ये यहाँ पे क्या हुआ था, ये इनकी पूरी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में एक व्यक्ति खड़ा हो गया, वो पाकिस्तानी मूल का, वहाँ देखिए वहाँ क्या है, इंडियन वो मूल के और पाकिस्तानी मूल के जो अपने उस वो सीनेटर होते हैं, तो उनमें से एक खड़ा हो गया और उसने इस पर क्वेश्चन पूछा। ये देखिए मिस्टर स्पीकर, लास्ट नाइट द BBC रिवील्ड द फॉरेन ऑफिस, ये है देखिए वो व्यक्ति, ये पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है, तो इसने ये सवाल पूछा कि BBC ने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई वो क्या हुआ, तो इसमें ऋषि सुनक का क्या रिप्लाई है वो देख लेते हैं, क्योंकि इनका तो देखिए रिप्लाई की ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये PM नहीं है ना, ये तो सीनेटर है। अब देखिए PM क्या बोलते हैं, दिस हैज बीन क्लियर एंड लॉन्ग क्लेंजिंग। Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. ये देखिए, तो ऋषि सुनक ने इसमें साफ कह दिया है कि जो देखिए कि US जो UK की गवर्नमेंट है वो किसी भी मतलब जहाँ भी नरसंहार हुआ उसे वो स्वीकार नहीं करते, पर ये जो BBC की रिपोर्ट है ठीक है इसका हम सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि देखिए यही वहाँ के गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन है, वो हमेशा ही रही है। उसके मल्टीपल रीजन है, क्योंकि भारत में उसका वो हो चुका है, काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी कमेटियाँ बन गई, काफ़ी वो हो गया, लेकिन वही है ठीक है। ये कुछ वैसा है कि अभी एक बार एक व्यक्ति कभी जेल चला जाए तो पूरी फिर सोसाइटी उसको हमेशा ये कहती है कि अभी वो जेल से छूट पे वो खाली गया हो एक बार ठीक है मतलब जेल ठीक है और उसके बाद कोर्ट से बरी हो गया तो भी पूरी सोसाइटी यही कहती है नहीं नहीं अरे ये तो उसने कुछ किया होगा जबकि कोर्ट ने उसको बरी कर दिया वही हिसाब है। अब PM मोदी के खिलाफ कुछ और मिलता तो है नहीं तो ये लोग फिर 2002 को निकाल के लाते हैं तो ये है इशू तो है। अब देखिए ये हमारे MEA वो ने इसको प्रोपेगेंडा बोल दिया ठीक है और पॉइंट्स
आउट दैट डॉक्यूमेंट्री हैज नॉट एयर्ड इन इंडिया. अब इसी कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, अब देखिए किसी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछ लिया, यही है अरिंदम बागची, इन्हीं के बारे में मैं बोला था, किसी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछ लिया, अच्छा आपने ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया, ठीक है, तो इस पर अरिंदम बागची ने कहा नहीं हमने कुछ बैन नहीं किया, वो लोग खुद ही नहीं यहाँ एयर कर रहे हैं. ये देखो, इट इज बीबीसी डिसीजन नॉट अवर दैट डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी वुड नॉट बी एयर्ड इन इंडिया. तो ये बीबीसी का डिसीजन. अच्छा, अब बीबीसी पहली बार इस वो ऐसे नहीं है, ठीक है, ये बीबीसी पे पहले भी इशू आए. देखो अब प्रॉब्लम क्या है ना बीबीसी के साथ भी, देखो बीबीसी के पहले इशू देख लो आप, ठीक है, ये देखिए, शुड बीबीसी बी बायस्ड ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, वही है वो, उसकी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को बायस बना दिया उन्होंने, ठीक है. और ये देखिए अब होता गया, जैसे अभी कश्मीर में हमने 370 आर्टिकल हटाया था, वहां भी जाके बीबीसी ने एंटी इंडिया, मतलब ये देखिए ये क्राइसिस हो रहा है, लोगों को इंटरनेट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, जबकि कभी ये लोग ऐसे नहीं कहते. इतना टफ सिचुएशन था, इंडिया ने इतने स्विफ्टली हैंडल करा, कभी नहीं कहेंगे, ठीक है, ये नहीं कभी कहेंगे कि इंडिया ने देखिए इतनी बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन करा को वो कोविड के टाइम पे, ये कभी इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी कि इंडिया ने मतलब ठीक है इतने लोगों को कोविड के टाइम पे इतना राशन दिया, ये कभी खबर नहीं. पॉजिटिव न्यूज कभी इनके द्वारा कवर ही नहीं की जाती, उसका रीजन है देखिए समझिए, कोई चीज जब एंटी इंडिया हो जाती है ना तो उस पे व्यू काफी मिल जाता, समझ रहे, व्यू काफी मिल जाते, ये इसका मेन रीजन है. अब हुआ क्या, जैसे इनकी कई डॉक्यूमेंट्रियां ऐसी हैं, ठीक है, इनकी कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो पहले चली नहीं, फिर क्या हो गया वो चीज इंडिया में बैन हो गई, तो भाई साहब उसको मतलब रिकॉर्ड उसका टूट गया. एक अभी रेप केस हुआ था दिल्ली में, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंट्री इंडिया में बैन कर दी, क्योंकि इन्होंने तो मतलब उसमें कई चीजें वो दिखाई है जो इंडियन के वो इंडिया वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप दिखा नहीं सकते, वो इंडिया में बैन हुई, तब तक वो नहीं चली, जैसी इंडिया में बैन हुई पूरी दुनिया में चलने लग गई, और फिर बीबीसी को उसमें बहुत वो अवार्ड भी मिले. तो ये समझना आवश्यक है, जैसे द प्रिंट ने कहा है, शुड इंडिया बी ऑफेंडेड, भाई आप इस पे क्या करो, आप ऑफेंड मत हो ना, ऑफेंड होने से क्या होता है फिर वो चीजें और बढ़ती हैं, उनको और प्रचार प्रसार मिलता है. ऐसा देखिए सिंपल सी ह्यूमन नेचर है, अगर कोई चीज बैन हो, ठीक है, किसी चीज पर प्रतिबंध हो, तो लोग उसको और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो करते हैं. तो क्या है, लॉन्ग टर्म में इंडिया को जो है अपना एक, जैसे काफी बड़े चैनल है, एक इंडिया का भी एक बड़ा चैनल होना चाहिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया का नैरेटिव क्या है वो सेल करे, ठीक है, वो दे, इंडिया में जो जो अच्छी अच्छी चीजें हो रही है उसको दिखाए, जैसे अब ये बीबीसी है, वैसे इंडिया का भी एक वो चैनल होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड वो लेवल पे इंडिया की इमेज को सुधारे. तो ये एक पॉजिटिव काम है जो इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है. चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल. आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू वेरी मच.